गाइज मैं फैसल, आप देख रहे हैं ओनली फैसल टैग। सो गाइज इंट्रो और थंबनेल देख के तो वीडियो समझ गए होंगे किस चीज के ऊपर होने वाली है। सो गाइज वीडियो होने वाली है आप सभी के नोटिफिकेशन एनिमेशन के ऊपर, कि जैसे कि आपके फोन में नोटिफिकेशन आता है तो एक एनिमेशन प्ले हो जाए आप सभी के डिस्प्ले बंद हो तो। सो गाइज इस वीडियो में बने रहिए। हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले आप सभी को क्या करना है तो यहाँ अपने प्ले स्टोर पे आ जाते हैं। सिंपल प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे आप सभी को सर्च करना है कमेंट 10, ये लिखा हुआ है, ये आप सभी देख लें क्लियरली, और इसको सर्च कर लेना अपने प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे सर्च करते ही आप सभी को जो सबसे पहले एप्लीकेशन देखने को मिलेगी इसको इंस्टॉल कर लेना है। 7 MB की कुछ एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन दिखने में बहुत ही अच्छी दिख रही है, और इसकी रेटिंग भी आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी कूल रेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली ये वाला एप्लीकेशन जब तक इंस्टॉल हो रहा है, मैं आप सभी को बता दूं कि वीडियो कहीं से भी स्किप मत करना है, क्योंकि इसकी सेटिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग है। तो सिंपली ओपन करते हैं इसको, तो यहाँ पे ओपन होती है, आप इसको कट कर दें, यहाँ पे इसको भी कट कर लेना, इसे भी कट कर लेना। तो सबसे पहले आप सभी क्या करना है, ब्राउज ऑल मॉड्यूल देखेगा, इसको ओपन कर लेना। सिंपली ओपन करने के बाद आप सभी क्या करना है, ये एम्बिसिस डिस्प्ले दिख रहा होगा तो इसको इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। तो सिंपली इंस्टॉल हो रहा है ये अपना, थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये पूछेगा ओपन मॉड्यूल करने को बोल रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर लें। सिंपली इंस्टॉल हो चुका है, अब आप सभी को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देना है। फोन पे सेटिंग पे क्लिक करते ही ये बोलेगा इसे एनेबल कर लें, तो इसे एनेबल कर लेते हैं यहाँ से, ये एनेबल हो गया। अब इसको फिक्स पे क्लिक करना है आप सभी को, सिंपली यहाँ फिक्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ परमिशन इसको दे देनी है, क्योंकि ये आप परमिशन नहीं देते तो आप सभी का वर्क नहीं करने वाला। तो सिंपली ये परमिशन दे दिया, ये बैक आ जाते हैं, यहाँ से भी इसको अनेबल कर लें, देख के आप देख लें कि उसी ऐप को अनेबल करना है, दूसरी चीज को अनेबल करेंगे तो ये वर्क नहीं करने वाला। सिंपली अनेबल कर दिया मैंने इसके सारे सेटिंग्स, अब बैक आ जाना है, उसके बाद यहाँ पे कीप अनेबल पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली ये हो गया, आप सभी को यहाँ पे एक न्यू नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करने के बाद इसे ऑन कर लेना है। तो ऑन करने के बाद यहाँ ओपन डिजाइन पे क्लिक करना है। तो सिंपली यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे समझा दिया गया कैसे यूज करना है, इस पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करने अंडरस्टूड पे क्लिक करने के बाद आप सभी यहाँ देख सकते हैं कितने अमेजिंग यहाँ पे आप सभी को एनिमेशन देखने को मिलने वाला है। सो गाइस आपको एक एनिमेशन अप्लाई करके शो करा के दिखाता हूँ। तो सिंपली मेरे में ये अप्लाइड है, आप जिस पे क्लिक कर देंगे उस पर टिक लग जाएगा, वो अप्लाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो सिंपली मैंने इस वाले पे क्लिक कर लिया, देख लीजिए। सो गाइस मैंने ये क्लिक कर लिया, उसके बाद आप सभी को कुछ नहीं करना, अब यहाँ से आप सभी को एनिमेशन अब कुछ नहीं करना यहाँ पे। तो सिंपली अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है, उसके बाद मैं अपना लॉक स्क्रीन लॉक कर देता हूँ, और ये आप सभी के सामने मैंने यहाँ फ़ोन रख दिया है। अब आप सभी को मैं यहाँ पे एक दूसरे फ़ोन से अपने मैसेज करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली ये मैसेज कर दिया मैंने, और ये देखिए मैसेज उस फ़ोन में जाने में थोड़ा गया, और आप सभी यहाँ देख सकते हैं इसमें एनिमेशन चल गया, देखिए। सो गाइज आपका फोन कहीं भी रखा हो, मैसेज आते यहाँ पे एक एनिमेशन चलेगा और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा आप सभी के सामने। सो गाइज ये देखिए इस वीडियो में मैंने आप सभी को करके दिखा दिया है। सो गाइज आप समझ सकते हैं, आप सभी को कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट कर लेना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ।